अजी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं द ग्रेट वन एंड ओनली फरीदी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। यार चांद कितना प्यारा लग रहा है उसके साथ मैं बैठी हूँ। कुछ भी। अच्छा भाई, इस डिजाइन की क्या प्राइस है, क्या चार्ज करते हैं? ये 8000 देगा। 8000। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। रमजान की तैयारी हो गई है और ईद की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। आज का दिन जो है वो फिर बिजी होने जा रहा है क्योंकि मैं जो हूँ वो इस वक्त निकल चुकी हूँ। रिकॉर्डिंग्स मैंने सुबह जल्दी से ख़त्म कर ली थी और अब मैं जा रही हूँ कुछ मैचिंग कपड़ों की मैचिंग, क्योंकि टेलर ने कह दिया है कि जी बस अब अभी देना है तो दे दो वरना फिर जाओ। तो मैचिंग और कुछ ईद की शॉपिंग भी करेंगे आज, और फिर मैं कहीं पर रेस्टोरेंट भी ढूंढकर अच्छा सा खाना भी खाऊंगी। लाहौर को पहले कहते थे बागों का शहर, अब मुझे ऐसा लगता है कि ट्रैफिक का शहर हो गया। इतनी पोल्यूशन, सड़कों पर इतना रश। यकीन करें कि अगर कहीं जाना है ना तो 2 घंटे का हिसाब रखे बंदा। शादी पर जाना हो तो बंदा सड़क पर ही शादी जो है ना आधी तकरीबात हो जाती है। देखिए इतनी देर हो गई, अब कितनी देर में पहुँचती हूँ मैं। मुझे एक बड़ी अच्छी चीज़ नज़र आई, ये भाई जो है ये बैठ कर यहाँ पर जो है वो हाथ से काम कर रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये वही काम है जो डिज़ाइनर्स जो हैं फिर लाखों रुपए में सेल करते हैं। अच्छा भाई, ये कितनी देर में बन जाता है? ये 2 दिन हो गए। 2 दिन तो आप सिर्फ गला बना रहे हैं कि? ब्लाउज है। हाँ जी, योग का ना ब्लाउज है। अच्छा, तो ये सारा हाथ से काम है? हाँ जी। ये अब हाथ से आप सारा कर रहे हैं? हाँ जी। बहुत खूबसूरत। अच्छा भाई, इस डिज़ाइन की क्या प्राइस है, क्या चार्ज करते हैं? ये बड़ी अच्छी बात कही है। ये 8000 देगा। 8000 का बहुत ज़बरदस्त बाजू और ये, शुक्रिया। तो अच्छा भाई, जामावार दिखाइए, जामावार में आजकल कौन से कलर्स हैं? अच्छा, ये खोल के भी दिखाइएगा, तो बहुत प्यारा लग रहा है। किस तरह दिए जामावार? अच्छा, तो लोग इसमें सूट बनाते हैं या शलवार ही बनाते हैं? सूट भी बनाते हैं, इसमें करारा शरारा भी बनाते हैं। अच्छा, ये कितना प्यारा लग रहा है। अच्छा, और मरून में भी दिखाइएगा, मैं मरून में लेने आई हूँ। ये भी उतना सेम जी। तो तकरीबन एक लहंगे में कितना लग जाता है? तो कितने में बन जाएगा? 36 का बनेगा। अच्छा, मैंने अपनी मैचिंग वगैरह जो है वो कंप्लीट कर ली है। ये मेरी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, इसको मैंने कंप्लीट कर लिया हुआ है। अभी तो थोड़ा सा काम ही किया है और मैं थक गई हूँ। रेस्टोरेंट्स ढूंढ रहे हैं, आज भी इतना रश है यार, लोग घर में खाना खाते ही नहीं है यार। तो अब देखते हैं कि कुछ हमें भी मिल जाए वरना वही अपनी गाड़ी जिंदाबाद गाड़ी के अंदर बैठ के खाना खा रहे होंगे। अब ये डिसाइड हो रहा है कि जी अब कौन सा कुजीन खाना है। जो ज़्यादा लोग हैं वो चाइनीज़ के हक़ में है, और मैं जो हूँ वो मैं मिक्स हूँ, मैं चाइनीज़ भी खा लूँगी, कॉन्टिनेंटल, जो भी मुझे मिल जाएगा। भूख लग रही है यार, बस खाना मिल जाए। मेरा खाना आ गया, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने वो सुशी नहीं, क्या कहते हैं उसे, वो जो गोल गोल डम्पलिंग्स कुछ होता है, अभी मेरे जहन से नाम निकल गया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? तो वो जो है ना मैंने ऑर्डर किया सुशी, पता नहीं मेरे ख्वाबों में आ रहा था, तो मैंने कहा सुशी मुझे बहुत बुरा लगता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। ये आ गए मेरे, अच्छा जी, फेवरेट मोमोस। मैं इसको सुशी कह रही थी, सुशी और इसका तो कोई कंपैरिजन नहीं है। ये मेरे ख्याल में एक ब्लैक पेपर है, एक ड्रैगन है, ये ड्रैगन लग रहा है। ये आ गई मेरी फेवरेट चाउमीन, और ये मेरा खाना है। तो वो मैंने आपको कहा था, ये मेरी फेवरेट जगह होती है कि मैं गाड़ी में बैठ के सुकून से खाऊं अगर मुझे कोई रेस्टोरेंट नहीं मिलता। तो आज भी मुझे बस रश ही नज़र आया। मेन चाउमीन, मज़ेदार,
कुकिंग और गरम गरम खाने की तो सुभान अल्लाह उस्ताद जी। चाउमिन ना हमेशा ऐसे खाने में मजा आता था, नूडल्स भी हम लोग खाते थे ना बचपन में। मजा आया। खाना खा लिए और मेरी बेवकूफी देखिए, मैं स्प्रे कर रही थी कपड़े खराब कर लिए। होपफुली ये ड्राई हो जाए। अब कोक के साथ जो है जिंदगी का सफर दोबारा रोड पे रवा दवा है। अब वेट कर रहे हैं कि कब हम अपनी मंजिल मकसूद पर दोबारा से पहुंच जाएं। यही नहीं, अभी और सुनिए। अजी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं द ग्रेट वन एंड ओनली फरीदी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरे जैसा बंदा जो कि रोज़ तंग करता हो कि भाई ये भी रख लो, ये भी रख लो, ये भी मैंने लेना है, तो आप मेरे जैसे लोगों को डील किस तरह से करते हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म का डील करता हूँ, बहुत प्यार से। जिस तरह आपको डील करता हूँ इसी तरह उनको भी डील करता हूँ। यही नहीं, अभी और सुनिए। ज़बरदस्त। और फिर एक्सपीरियंस कैसा रहता है, लोग क्या बोल के जाते हैं? क्योंकि आपको पता बड़ा हेक्टिक आपका काम है। लोग जो है जो कुछ भी बोल के जाएं, ये अपनी एक बात होती है, ये अपना एक अंदाज होता है, मेरा अपना एक अंदाज है। मेरे साथ सभी बहुत ही प्यार से, बहुत मतलब जिस तरह मैं रिस्पेक्ट देता हूँ इस तरह मुझे भी रिस्पेक्ट। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा जी, वेलकम। मैं इतना तंग करती हूँ इनको, दिन में हर दो दिन बाद कॉल करती हूँ कि फरीद साहब कोई नया स्टॉक आया है, कुछ मुझे बताएं कि क्या चीज़ आई है, मेरे लिए कुछ रख लें। तो मैं कहती हूँ कि यार हेड्स ऑफ टू दिस गाय, कोई भी इनके माथे पे शिकन नहीं होती। कॉल्स करती हूँ, मैसेजेस करती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि हमारी रूटीन ऐसी होती है कि हमें कपड़ों की ज़रूरत होती रहती है। तो फरीदी साहब जो है ना बहुत अच्छे से एंटरटेन करते हैं। चल 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 चल, ए गाड़ी स्टार्ट कर। तो अब हम आ गए हैं कुछ चीज़ें देखने कि कपड़े वगैरह कैसे हैं, क्योंकि जो ईद कलेक्शन आएगी उसके लिए यकीन करें रमज़ान में बहुत बिजी स्केड्यूल होता है। तो अब शुरू कर दी है सबने शॉपिंग। मुझे ना रमज़ान में भी शॉपिंग करने का बड़ा मज़ा आता है, रोज़े होते हैं साथ साथ, इफ्तारियाँ चल रही होती हैं, और मुझे जहाँ से बार बार घूमना होता है यार बड़ा फीलिंग होता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं कि किस किस को मज़ा आता है रमज़ान में जो है वो घूमने फिरने का और शॉपिंग करने का। एक ही ड्रेस मुझे पीछे अच्छा लग रहा है, क्योंकि इतना हेल्थ में पहनती नहीं हूँ। मैंने सर ये कॉम्बिनेशन बनाया है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं थाईलैंड, और मैं जब थाईलैंड में थी ना मैंने बहुत सारे स्कर्ट्स लिए थे। आई लव स्कर्ट्स, थाईलैंड से स्कर्ट्स से प्यार हुआ। कुछ भी शॉपिंग जब होती है तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ, और मेरी मर्जी के मुताबिक कपड़े। आह सुभान अल्लाह उस्ताद जी। चलिए जी, अभी समर स्टफ आ गया और रमज़ान में बहुत बिजी रहेगा कैजुअल। यार ये कितनी अच्छी चल गई सारे मैंने कपड़ों के साथ, यहीं से एक्सेसरीज जो हैं वो मैचिंग कर। यहाँ से तो नीचे जाने का टाइम आ गया है, लेकिन जी कनाडा भाई अब 10 रुपए के तुरतरे खाएं लोग या 10 रुपए के शॉपिंग बैग खरीदें। हर 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 ब्रांड ने जो है 10 20 30 40 के शॉपिंग बैग कर दिए हैं, तो अब हम तुरतरे खाएं या फिर जो है 10 रुपए के शॉपिंग बैग लें। तो मुझे याद आ गया बच्चा, 10 रुपए तुरतरे तुरतरे। आ गई हूँ अपनी फेवरेट जगह पर, और ये है मेरे फेवरेट इंसान, हमेशा मुझे अच्छी चाय रिकमेंड करते हैं और जो चीज़ें रिकमेंड करते हैं यकीन करें बाद में वो चाय बेस्ट होती है। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक। आज क्या रिकमेंड करेंगे? अब मैं आज तक अभी चाय हमारी ट्राई करें, वो हमारी सबसे बेस्ट है, वो आई होप आपको अच्छी लगे। अच्छा जी, पंजाबी चाय जो है वो आज हम ट्राई करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि पंजाबी चाय जो है वो बहुत मज़ेदार। साथ मैंने जो ऑर्डर किए हैं फ्राइड्स, आप ये देखिए, यकीन करें कि बहुत ज़बरदस्त फीलिंग आती है मुझे। चाय की क्रेविंग हो रही होती है तो मैं यहाँ पे आती हूँ। मुझे बहुत अच्छी चाय बनाना नहीं आती, अमूमन मुझे चाय जो है वो पसंद है जो नॉर्मल कड़क हो लेकिन उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डली हों। तो पंजाबी चाय साउंड्स वेरी गुड, तो आज पंजाबी चाय पीते हैं। फ्राइज़ मैंने ऑर्डर किए, खाना मैंने आपको पता है खा लिया है, तो यहाँ पर थोड़ी सी मंचिंग के लिए फ्राइज़ ज़रूरी हैं, चाय के साथ अच्छे लगते हैं। ये आ गई मेरी पंजाबी चाय। ये आपके फ्राइज माय सर। थैंक यू सो मच। यार चांद कितना प्यारा लग रहा है, उसके साथ मैं बैठी हूँ।
अच्छा जी, ये मेरी चाय है, ये सारी साइज में नहीं खाऊंगी। अब 4-5 किलो वज़न कम किया है, तो कैलकुलेट मैंने किया है कि आगे रमज़ान आ रहा है, उसमें फिर 2-2.5 किलो तो वज़न कम हो जाएगा। तो आज मैंने लंच स्किप किया था, तो फिर मैंने लंच की जगह बहुत सारा खाना खाया, तो वो मैंने घर जाके 1 घंटा वॉक भी करनी है यार। तो ये देखिए क्या मेरा फ्राइज मेयो कैचअप में खाती नहीं, और ये है मेरी पंजाबी टी। ये मैं, ये है मेरे फ्राइज एंड पंजाबी टी, और ये है खूबसूरत नज़ारा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज का दिन बहुत ज़बरदस्त रहा। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। जल्दी से जाके पूरा व्लॉग देखिए, बहुत मज़ेदार व्लॉग है। आज का दिन भी बहुत अच्छा गुजरा, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, कर लो जल्दी से जाके, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट करना ना भूलो।